आज मैं बनाऊंगी बैंगन की इतनी लाजवाब सब्जी कि आपके देख के होश उड़ जाएंगे। वैसे होश तो आपके अभी से उड़ रहे होंगे, इतने सारे तेल के अंदर सब्जी बनी है। पर वाकई मैं आपको बताऊंगी, बिल्कुल भी तेल अब्जॉर्ब नहीं किया और इतनी टेस्टी सब्जी बनी है ना, भगवान कसम मुझे जितनी तारीफ मिली है मैं आपको बता नहीं सकती। हेलो फ्रेंड्स, मैं दीक्षा, वेलकम टू माय चैनल इजी एंड टेस्टी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पहले सब्जी का फाइनल लुक देख लीजिए, देख के आपको इसे प्यार हो जाएगा। है ना कितनी प्यारी सब्जी बनी हुई, और आप इस बात का विश्वास नहीं करेंगे कि ये बहुत कम घी में मैंने बनाई है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करें। इसके लिए मैंने 400 ग्राम के लगभग बैंगन लिए हैं, दो बैंगन हैं, और अच्छे से उनको देख के साफ सुथरा, ऊपर से छेक ना हो और हल्का हो, अगर भारी होगा तो उसके अंदर बीज होंगे। इसी तरह दो टमाटर लिए, उनको अच्छे से धो लेंगे, पोंछ लेंगे और इस तरह से क्रॉस का निशान लगा देंगे। और मिर्चें लेंगे दो तीन, जितना आपको तीखा खाना हो, और उन मिर्चों को बीच में से चीरा लगा लेंगे, क्योंकि जब हम फ्राई करेंगे ना तो इसके अंदर काफ़ी उछटेगा। तो और उसका भी मैं आपको एक तरीका बताऊंगी, जिससे कि तेल में डालने के बाद आपकी कोई भी चीज़ जो है उछटे ना या फैले ना। एक साबुत लहसुन की गांठ ली है और एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है। ये सारी चीज़ें ले लेंगे। उसके बाद पहले हम बैंगन को चेक करेंगे। बैंगन जो है ना, उसके अंदर बिल्कुल भी कीड़ा नहीं होना चाहिए। जब हम साबुत बैंगन लेते हैं और भरता बना देते हैं तो कभी कभी अंदर कीड़े का वहम रहता है। तो उसको सबसे अच्छा तरीका है कि आप इस तरह से बैंगन की सब्जी बनाएं, लाजवाब सब्जी बनेगी, सबको पसंद भी आएगी, सब तारीफ भी करेंगे और चाट चाट कर खाएंगे भी। मैंने दोनों बैंगन को इस तरह से बीच में से दो टुकड़े कर लिए। वैसे आप चाहें तो चार भी कर सकते हैं, मुझे तो वीडियो बनानी है इसलिए मैंने दो टुकड़े किए हैं। अब गैस के ऊपर हम कढ़ाई रखेंगे और गैस बिल्कुल लो कर देंगे। अभी ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं है। इसी दौरान ये सारी चीज़ें मैं इसके अंदर डाल दूंगी। एक मैंने पूरा बैंगन डाल दिया पहले, एक बैंगन बाद में तलूंगी क्योंकि कढ़ाई में जगह नहीं है। तीन चार हरी मिर्चें बीच में से चीरा लगा के डाली हैं, दो साबुत टमाटर जिनको मैंने कट लगा लिया था, एक प्याज डाल दी और एक लहसुन डाल दी। अब गैस का फ्लेम कर देंगे हाई। अब हल्के से हाई करने पर क्या फ़ायदा होगा कि अगर जो हरी मिर्च उछटती है वो नहीं उछटेगी और टमाटर एकदम से फट ना जाए। इस सब के लिए पहले लो फ्लेम पे डाल लीजिए, उसके बाद गैस का फ्लेम हाई कर दीजिए और कुछ नहीं करना। इतने आराम से इतनी टेस्टी सब्जी ये बनने वाली है ना कि एक बार अगर आपने ट्राई कर ली, उसके बाद आप जो बाकी के तरीके हैं ना बैंगन की सब्जी बनाने के, वो सारे आप छोड़ दोगे। इसी तरह से आप बैंगन की सब्जी बनाओगे। अच्छे से मैंने फ्राई कर लिया। देखिए तेल में डालने के बाद लहसुन क्या फूल रहा है, और इसी तरह प्याज भी अच्छे से भून रही है, और बैंगन जब तक बिल्कुल ब्राउन ना हो जाए तब तक निकालने नहीं है। उसके बाद आपको सब्जी को पकाना नहीं पड़ेगा, आप चाहें तो ऐसे भी इसको खा सकते हैं। सबसे पहले हमें निकालने पड़ेंगे टमाटर, क्योंकि टमाटर का छिलका जल्दी से एकदम से करारा हो जाएगा और आराम से पता लग जाएगा, अपने आप ही उतर जाएगा। दैट मीन्स हमारे टमाटर तो हो गए रेडी, अब हम इसको निकाल लेंगे। अभी एक एक करके सारी चीज़ें निकालिएगा, रेसिपी को पूरा फॉलो जरूर करिएगा, तभी आपको सब्जी बनाने का मज़ा आएगा, खाने का मज़ा आएगा और वीडियो को देखने का मज़ा आएगा। और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर जरूर करना। थोड़ी आपको देखने में बनाने का तरीका और लगेगा, लेकिन अगर रेसिपी आप ट्राई करेंगे ना तो आपके होश उड़ जाएंगे, इतना टेस्टी बैंगन की सब्जी बनके तैयार हुई है। अब मैंने प्याज निकाल दिया, लहसुन पड़ा रहने दिया, अच्छे से भून ले बेचारा, और बैंगन को अच्छे से भून लिया। ये देखिए बिल्कुल ब्राउन हो जाएगा तो इसे निकाल लेंगे। इसी तरह बाकी का जो दूसरा बैंगन था उसके चार टुकड़े करके डाल दिए। अब थोड़ा वीडियो में दिखाना है, अब तो बस फटाफट से बैंगन को फ्राई करना है। बैंगन के टुकड़ों को अच्छे से फ्राई किया, इतनी देर लहसुन हमारा सुनहरा हो गया, इसको भी हम निकाल लेंगे। सारी चीज़ों को एक ही प्लेट में निकालना है, बहुत ज़्यादा बर्तन भी नहीं करने पड़ेंगे और गैस भी गंदी नहीं होगी। आपको अपने आप ही पता होगा जब बैंगन को भूनते हैं ना तो क्या गैस गंदी होती है। और आप तेल की फिक्र ना करें, ज़्यादा तेल नहीं है, आप मेरा विश्वास करें, सिर्फ देखने में ही ज़्यादा लग रहा है। फ्राई किए हुए ऑयल को आप किसी भी काम में यूज़ कर सकते हैं। सबसे अच्छा है कि आप इसे सूखी सब्जियां बनाने के लिए तड़के में इस्तेमाल करें। मैंने रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया, आप चाहें तो सरसों के तेल के अंदर भी बना सकते हैं। घी में मत बनाइएगा क्योंकि घी बहुत ज़्यादा लग जाएगा और वो बाकी का बचा हुआ घी यूज़ करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर मिर्च और लहसुन की स्मेल होगी। अब जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो फटाफट से इसके छिलके उतार देंगे। ऐसे आराम से छिलके उतार रहे हैं, ये देखिए कोई दिक्कत ही नहीं हो रही। और अगर आप बैंगन को भूनते हैं ना तो छिलका उतारने में कितनी दिक्कत है, और वाकई इसमें बहुत कम तेल जो है अब्जॉर्ब हुआ है, बिल्कुल भी नहीं। इतना तेल तो आप तड़का बनाने के लिए डालेंगे, बैंगन का भरता बना रहे हैं और उसमें ऑयल और घी ना डालें तो फिर भरते का स्वाद ही क्या आएगा। इस तरह से इसको अच्छे से हमने सारा खाली कर लिया
और बहुत बढ़िया हमारा बैंगन का भरता बनके तैयार हो जाएगा। अब हमें कुछ नहीं करना, आपके सामने देखिए, अब लहसुन जो है ना इसको भी आराम से ऐसे दबाइए और इसकी सारी जो कलियाँ हैं ना उसके अंदर से पका हुआ लहसुन का गूदा आराम से निकल जाएगा। अब ये जो बैंगन का भरता है ना, ये आपके, आप ये कहोगे दिल के लिए नुकसानदायक है, हार्ट अटैक ना आ जाए, कुछ नहीं आने वाला, इतना सारा तो मैंने लहसुन डाल दिया और अभी मैं और डालूंगी। सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया, ये देखिए, और ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 5 या 6 मिनट भी नहीं लगे तलने के अंदर भी, और 3-4 मिनट के बाद ठंडा होने के बाद मैंने अच्छे से हाँ बहुत इसे चॉप कर लेंगे। टमाटर को चॉप कर लेंगे, बीच की टमाटर की गांठ सी होती है, आँख जो होती है वो निकाल लेंगे, प्याज को छोटा छोटा चॉप कर लेंगे और सारी चीज़ों को एक बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे। एक बार आप मेरे कहने से इस रेसिपी को अपने घर में ट्राई ज़रूर करें, वाकई सबको बहुत पसंद आएगी, मेरे घर में सबको बहुत पसंद आई है और सबने चाट चाट के खाई है, आपके घर में भी यही हाल होने वाला है। और जो लोग स्पेशली बैंगन का भरता पसंद करते हैं ना, उनके लिए तो ये लाजवाब बनने वाली है। अब जो मैशर होता है ना उससे अच्छे से इसको फेंट लीजिए, मैशर ना हो तो आपके पास चॉपर होगा उसमें डाल के चॉप कर लीजिए, लेकिन ध्यान रखिए चॉप करना है, गूदा नहीं बनाना वरना टेस्ट सारा ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए मैंने 2-3 मिनट तक, मदानी से भी कर सकते हैं, जिससे हम साग को घोटते हैं उससे भी घोट सकते हैं, देखिए कितना अच्छा ये तैयार हो गया। अब डालेंगे थोड़े मसाले, 1 चम्मच मैंने इसमें नींबू का रस डाल दिया, 1/2 चम्मच डाल दी हल्दी, हल्दी थोड़ी कम ही डालिएगा, 1 चम्मच नमक डाल दिया, टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें, वैसे इतना नमक एकदम परफेक्ट है, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/2 ही चम्मच मैंने इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया। और कोई मसाला डालना नहीं, ना तो बैंगन के भरते में गरम मसाला डाला जाता है, ना कसूरी मेथी डाली जाती है, बस इस तरह कम मसालों का बनता है, क्योंकि बैंगन का जो अपना फ्लेवर रिलीज़ होता है ना वो इसी की वजह से होता है। अब मैंने 1 कटोरी के लगभग बारीक प्याज किया हुआ, चॉप किया हुआ था कच्चा, वो डाल देंगे, इससे इसमें बहुत ही 10 गुना फ्लेवर आ जाएगा। ये वाकई में एक स्ट्रीट फूड है और लोग इसको स्पेशली खरीद खरीद के खाते हैं, तो क्यों ना आप इसे घर में बनाएं। अगर आप बैंगन खाने के शौकीन हैं तो आपके लिए तो ये रेसिपी बनाना बनता ही है और मज़ा बहुत आएगा बनाने में भी और खाने में भी। हाँ आप घर में बना रहे हैं तो इतना कर सकते हैं कि जो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल लिया है, मैंने 250 ग्राम के लगभग ऑयल लिया है तलने के लिए, आप 100 ग्राम में तल लीजिए, थोड़ा थोड़ा करके तल लीजिए, पहले टमाटर तल लीजिए, फिर प्याज तल लीजिए, फिर लहसुन तल लीजिए, फिर ये बैंगन तल लीजिए, तो आपका ऑयल कम लगेगा। इतनी देर में बातों बातों में मैंने खूब सारा हरा धनिया डाला, भरता तैयार। लेकिन अगर आप पंजाबी हो तो उस भरते के अंदर ये तड़का तो जरूर ही लगाओगे, उसका भी अपना टेस्ट है, लेकिन ये तड़का लगा लोगे तो टेस्ट बढ़ जाएगा 100 गुना। 1 चम्मच देसी घी लेंगे, 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे और 1 से 1.5 चम्मच लहसुन और हरी मिर्च नहीं डाली अब, अदरक, उसको अच्छे से बारीक कूट पे पीस के डाल देंगे और 1/2 प्याज जो मैंने वो भी चॉप करके डाल दिया। 1 से 1.5 मिनट तक हाई फ्लेम पे भूनना है, लो फ्लेम पे नहीं, पकाना नहीं है, सिर्फ हल्का सा कच्चापन दूर करना है जिससे लहसुन को बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और डाल दी। सामान का तो सारा डिस्क्रिप्शन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख ही दूंगी, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं और इस रेसिपी को अपने घर में ट्राई कर सकते हैं। कलर देखिए, लुक देखिए, ओहो क्या लाजवाब भरता बने, मेरे तो अभी भी मुँह में पानी आ रहा है। वैसे मैं अभी खाऊंगी नहीं क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैंने थोड़ा सा कम बना लिया है और मुझे ज़्यादा बनाना चाहिए था, बहुत कम भरता बना है, मुझे तो पता नहीं आज मिलेगा भी या नहीं, पर हाँ मिला, बाद में मिला क्योंकि मैं वीडियो तो बाद में बना रही हूँ। मैंने भरता खाया भी और वाकई अपनी तारीफ खुद ही कर ली क्योंकि वाकई इतना अच्छा बना था। प्लीज़ आप भी इस रेसिपी को ज़रूर लाइक शेयर और फॉलो करें और जो भी मेरी फ़नी बातें होती हैं उनको इन्जॉय करें, क्योंकि काम करते करते इतनी सारी बातें करने में ना मज़ा ही आ जाता है। बस अब हम इस भरते को प्लेट के अंदर डाल लेंगे। ये देखिए कितना रसीला लाजवाब भरता बनाए। एक गलती हो गई थी, मैं सूखी लाल मिर्च डालना भूल गई थी, तो मैंने बिल्कुल 1/2 चम्मच घी के अंदर उनको फ्राई करके ऊपर से डाला है, वो आपकी चॉइस है, आप पहले डाल लेना। चलिए मैं तो चली फिर से, अब मैं इसके साथ पराठा बनाऊंगी, पहले फुल्के के साथ खाया था, वैसे आप इसे चावल के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, लाजवाब लगेगा। बाय, फिर मिलूंगी कल नई रेसिपी में।